औद्योगिक नगरी के अति प्राचीन बोकनेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। यहाँ बताया जाता है कि यह बोकनेश्वर महादेव मंदिर पांडवकालीन होकर अति प्राचीन है। वहीं दोपहर 12 बजे करीब 50,000 से भी ज़्यादा दर्शनार्थियों ने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए थे। वहीं 7 दिवसीय 21 कुंडी यज्ञ भी निरंतर जारी है, जिसमें पश्चात समिति द्वारा प्रसादी वितरण किया गया। बोकनेश्वर महादेव मंदिर पर आज से निरंतर अर्धमासिक मेला आयोजित किया जाएगा। मेले में मनोरंजन के साधन हैं। पीथमपुर नगर का आज ही के दिन गौरव दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें नगर गणमान्य और वरिष्ठ नागरिक, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद और आम जन शामिल होते हैं। वहीं सागौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में झांकी और पालकी के रूप में शिव बारात निकाली गई, जिसमें नगर में भ्रमण किया, जहां पुष्पों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं झांकी के पीछे महाप्रसादी भी वितरित की गई। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आयोजन किया गया इसके बारे में। जय श्री मांका। महाकान मित्र मंडल शिवरात्रि ग्रुप के द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया। विगत 8 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें समिंत ग्रामीण वासियों का सहयोग और उनके आर्थिक सहयोग से ये काम सफलता की। कहाँ से कहाँ तक निकली है ये? नीलकंठ मंदिर से स्टार्ट होकर सदर बाजार होते हुए बस स्टैंड होते हुए गंगेश्वर महादेव मंदिर पर समापन होगा इसका। आपका नाम? जितेश चौधरी। महाकाल मित्र मंडल जितेंद्र जी राठौर, निर्मल जी चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।